हेलो नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 16th of December 2023 और हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस लेके। आज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस को अपलोडिंग के अंदर काफी टाइम लग गया ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट एंड ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस। डिज्नी रिलायंस इंडिया एंटरटेनमेंट मर्जर मे बी बीसेट विद एंटी ट्रस्ट हेडेक्स। बेसिकली रिलायंस कम्युनिकेशन और वॉल्ट डिज्नी की जो इंडिया यूनिट है उन दोनों का एक मर्जर होने की कवायद चल रही है। उन दोनों का अगर मर्जर हो जाता है इंडिया की जो टीवी इंडस्ट्री है उसको रीशेप करेगा, बिकॉज डिज्नी ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल का। अलोंग विद दैट मुकेश अंबानी का जो मीडिया हाउस है उसके पास करीबन 120 चैनल्स हैं। इवन नेटवर्क 18 हैज बीन टेकन ओवर बाय द रिलायंस एंटिटी। तो देखते हैं इसके बाद जो भी डील रहता है, अगर ये डील हो जाता है तो इट विल बी द सेकेंड टू सिस्मिकली रीशेप द इंडिया टीवी एंड स्ट्रीमिंग लैंडस्केप एज जापान सोनी ऑल्सो प्लान टू मर्ज विद इंडिया जी एंटरटेनमेंट। लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक सोनी जो जापान की सोनी एंटरटेनमेंट है वो इंडिया की जी एंटरटेनमेंट गोयनकाज की जो जी एंटरटेनमेंट है इन दोनों का मर्जर होने की भी काफी न्यूज चल रही थी। और इनका जो प्रपोजल है वो फॉर द टाइम बीइंग सीसीआई के पास गया हुआ है एंड जी सोनी प्लान क्लियर्ड रिव्यू बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लास्ट ईयर एंड कुड क्लोज इन द कमिंग वीक्स। क्योंकि सबसे पहले से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, रिव्यू लेना पड़ता है बिफोर मर्जर ऑफ एनी एंटिटी। तो जो सोनी और जी का मर्जर प्लान है उनको रिव्यू क्लियरेंस मिल चुका है सीसीआई से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, और कमिंग वीक्स के अंदर इनका मर्जर फाइनलाइज होने के संभावना है। सिमिलरली जो डिज्नी है और इंडिया का जो रिलायंस का टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का ग्रुप है इन दोनों का भी मर्जर होने की अभी बात चल रही है। बट इसको बेसिकली आगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिव्यू से निकलना पड़ेगा और इट विल टेक सम टाइम फॉर द मर्जर टू कंक्लूड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज कैश स्ट्रैप्ड श्रीलंकाज इकोनॉमी रिकॉर्ड्स पॉजिटिव ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको पता है श्रीलंका के अंदर करीबन 2022-2021 से ही क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो मिल रहा है काफी समय से। उसकी इकोनॉमी बहुत ही नेगेटिव ग्रोथ में चल रही थी, करीबन जो बैंकक्रप्ट इकोनॉमी बोलेंगे, एंड इट हैज रिकॉर्डेड अ -8% ग्रोथ। इट हैज रिकॉर्डेड अ -8% ग्रोथ व्हेन इट डिक्लेयर्ड इट्स बैंकक्रप्टसी इन अप्रैल 2022 के अंदर श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था, बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था। और क्योंकि उसकी उस टाइम की जो ग्रोथ रेट है वो -8% चल रही थी, जैसे कि अभी हम अपनी इकोनॉमी की देख रहे हैं तो +7% की बात चल रही है। हमारी फोरकास्ट है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी, बट श्रीलंकन इकोनॉमी -8% से थी। उसके बाद अप्रैल 2022 में दिवालिया घोषित कर दिया, बैंकरप्सी घोषित कर ली, क्योंकि इसकी जो सिचुएशन थी वो नेगेटिव टेरिटरी में कब से चल रही थी, सिंस दी फोर्थ क्वार्टर ऑफ दी 2021, 2021 के चौथे क्वार्टर से ही नेगेटिव ग्रोथ में चल रही थी। नेगेटिव ग्रोथ मीन्स इट वॉज गोइंग इन टू बैंकरप्सी साइड। तो उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसकी बचाव में आया, आईएमएफ ने इसको फंड्स दिए, बेल आउट पैकेजेस दिए, एंड विच रिलीज द सेकंड ट्रेंच ऑफ इट्स $2.9 बिलियन बेल आउट अर्लियर दिस वीक, एंड ये बोला गया है। एंड इसके बाद जो बेल आउट पैकेजेस दिए हैं उसके बाद इकोनॉमी थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ की साइड थोड़ी जाने लगी है। बट ओवरऑल ग्रोथ अगर देखा जाए तो 2023 की नेगेटिव टेरिटरी में ही रहेगी, बट इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। हाउएवर द कंट्रीज इकोनॉमी इन 2024 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो विद अ पॉजिटिव +1 ग्रोथ। तो अगर इस बेल आउट पैकेज पे काम करते हैं तो इकोनॉमी करीबन +1% से बढ़ने की बात है, मतलब नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में आने की संभावना है। श्रीलंका इज करंटली अंडरगोइंग थ्रू स्ट्रिक्ट आईएमएफ बेस्ड रिफॉर्म रिजीम एंड इनके जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे हु इज आल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर भी है वो, ही इंसिस्ट रिफॉर्म डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द ऑपोजिशन। ओपोजिशन से स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होने के बावजूद ये रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आईएमएफ ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है रिलेटेड टू सो दैट श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
कांग्रेस टू लॉन्च डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग कैंपेन ऑन 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को कांग्रेस जो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन है उनके लिए फंड्स रेज कर रही है थ्रू क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट हम एक अलग वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्राउड फंडिंग क्या रहती है। तो क्राउड फंडिंग के थ्रू एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है डोनेट फॉर देश, देश के लिए डोनेशन करो। इट इज अ क्राउड फंडिंग कैंपेन फॉर जनरेटिंग रिसोर्सिस फॉर दी 2024 लोकसभा इलेक्शन। ये 18 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च करेंगे। बेसिकली एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जो के सी वेणुगोपाल, उन्होंने बताया कि कांग्रेस को 138 ईयर्स हो गए, तो इंडियंस अबोव द एज ऑफ 18 कैन डोनेट अ मिनिमम ऑफ रुपीज 138 एंड इन मल्टीपल ऑफ सच लाइक 1380, 1380 और 13,800, तो 138 के मल्टीपल में, 138 के मल्टीपल्स के अंदर इसको कर सकते हैं, इस कैंपेन के अंदर डोनेशन कर सकते हैं बिफोर द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बिफोर 2024 इलेक्शंस। आवर इनॉग्रल कैंपेन डोनेट फॉर बेहतर भारत, डोनेट फॉर बेहतर भारत, इट कमेमोरेट्स द 138 ईयर जर्नी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये एक कवायद चलाई जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलेक्शन से पहले फंड को रेज करने की, फंड को मोबिलाइज करने की। पॉलिटिकल न्यूज है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। व्हाई आर सो मेनी फॉरेन कंट्रीज वूइंग इंडियन ट्रेवलर्स, इंडियन के जो, इंडिया के जो टूरिस्ट है वो बहुत देशों के अंदर जा रहे हैं। इवन ऐसी वीजा फ्री पॉलिसी चला रही है सो दैट अपने अपनी कंट्रीज में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देने के काफी देशों ने प्रस्ताव दिए हैं। क्या है डिटेल में देखते हैं। इंडियन ट्रेवलर्स आर गोइंग प्लेसेस एज इंडियाज मिडिल क्लास ग्रोज, इनकम राइजेज एंड इंक्रीजिंगली मोर इंडियंस आर विलिंग टू स्पेंड बिग ऑन ट्रेवल्स। रिसेंटली श्रीलंका, थाईलैंड एंड मलेशिया, दे हैव ऑफर्ड वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस। ये जो तीन देश है, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया, इन्होंने इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देने का प्रस्ताव रखा है। वियतनाम और इंडोनेशिया भी प्लान कर रहे हैं फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन्स और इंडियन टूरिस्ट। ईरान एंड कीनिया आर द लेटेस्ट टू ज्वाइन द लिस्ट ऑफ वीजा फ्री कंट्रीज फॉर इंडिया बिसाइड्स अदर कंट्री। ईरान और कीनिया ने भी जो वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस है उसकी लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है। रशिया हैज अ प्रपोज्ड रिजीम विद इंडिया दैट इट विल अलाउ टूरिस्ट फ्रॉम बोथ नेशन टू विजिट ईच अदर्स कंट्री विदाउट वीजा इफ दे ट्रेवल इन ग्रुप्स, अगर ऑर्गेनाइज ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। तो रशिया ने भी एक प्रपोजल रखा है कि अगर इंडियन टूरिस्ट ऑर्गेनाइज ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो इंडिया से या रशिया जाते हैं, रशियन टूरिस्ट इंडिया आते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप में, तो उनको वीजा फ्री एंट्री का एक प्रस्ताव रखा गया है। जर्मनी इज हैप्पी टू हैव इंक्रीजिंगली नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द वीजा एप्लीकेशन। जर्मनी भी जो वीजा एप्लीकेशन है उनकी प्रोसेसिंग को हैसल फ्री बना रहा है और स्पीड अप कर रहा है ताकि मोर एंड मोर इंडियंस को जर्मन के अंदर इजीली वीजा मिल सके। विद द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो मिडिल इनकम फैमिलीज है, मिडिल इनकम ग्रुप्स है, उनकी ट्रेवल एक्सपेंसिस भी बढ़े हैं और वो फॉरेन देशों के अंदर ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, वेदर इट इज फॉर बिजनेस, वेदर इट इज फॉर टूरिज्म, वेदर इट इज फॉर हनीमून एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। टेलीकॉम पीएलआई गार्नर्स रुपीज 2725 करोड़ इन्वेस्टमेंट टिल एंड अक्टूबर। देव सिंह चौहान जो हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने 2725 करोड़ की इन्वेस्टमेंट टिल अक्टूबर एंड तक की है आउट ऑफ दी 4014 करोड़ कमिटेड बाय दी 42 एप्लीकेंट कंपनीज। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसको हम पीएलआई बोलते हैं, कि जहां पे कुछ सेक्टर्स चुने जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और उन सेक्टर्स में जैसे जैसे प्रोडक्शन करती है कंपनियां उस बेस पे उनको इंसेंटिव दिया जाता है, टैक्स में रिबेट दी जाती है, ठीक है, तो और वहां पे उनको कुछ पैकेजेस भी दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ फंड अलग रखती है पीएलआई स्कीम के लिए। पीएलआई टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी पीएलआई स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर 2725 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी तक, जो कि कमिटेड कितनी की थी 4014 करोड़ कमिट की थी 42 एप्लीकेंट्स जो कि पीएलआई स्कीम के अंडर टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ही हेडेड दैट प्रोडक्ट्स वर्थ रुपीज 8804 करोड़ हैज बीन एक्सपोर्टेड टिल डेट अंडर दिस स्कीम। पीएलआई स्कीम के अंदर जो प्रोडक्ट टेलीकॉम प्रोडक्ट बने हैं तो
8804 करोड़ के प्रोडक्ट हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं इस स्कीम के अंदर फॉर टेलीकॉम गियर एंड ओवर 15,500 न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर दिस पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकम्युनिकेशन ओनली। 2,37,807 करोड़ इंक्रीमेंटल सेल्स कमिटेड बाय एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स ने कहा था कि इस स्कीम के अंदर हमें अगर इंसेंटिव मिलेगा पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकम्युनिकेशन तो हम 2,37,807 करोड़ का इंक्रीमेंटल सेल्स इंक्रीज करेंगे, जिसके अंदर अभी तक जो सेल रियलाइज हो गई है अक्टूबर तक वो हुई है 38,999 करोड़, करीबन 39 करोड़ अप्रोक्सीमेटली सेल्स रियलाइज हो चुकी है और बाकी ये इनका टारगेट है, इंक्रीमेंटल सेल्स का टारगेट है। और इस स्कीम के तहत 15,561 फ्रेश जॉब हैव बीन क्रिएटेड टिल एंड अक्टूबर। सो दिस इज अ टेलीकॉम पीएलआई प्लान आउटले फॉर 12,195 करोड़। ये गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के इंसेंटिव देने के लिए एक आउटले रखा है। 4,000 करोड़ सेट असाइड फॉर दी डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग पुश। इसके अंदर इस टोटल आउटले में से 4,000 करोड़ सिर्फ डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगी उसके लिए दिखा गया है। इन 2022 एडिशनल इंसेंटिव रेट ऑफ 1% ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव रेट्स वाज एडेड टू फैसिलिटेट डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली 2022 में जो पहले से डिसाइड थे इंसेंटिव रेट उससे 1% और बढ़ा दिया। इनिशियली एमएसएमई को 1% एक्स्ट्रा रहता था, बट अगर कोई फैसिलिटी है जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके लिए भी 1% इंसेंटिव एक्स्ट्रा किया गया। सो इट इज पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम गियर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस फाइव सेक्टर रोक्ड ऑन द दलाल स्ट्रीट लास्ट वीक, विल द बुल रन सस्टेन। आपने देखा कि पिछले पूरे वीक हम हर रोज ईटी के अंदर डिस्कस भी किया, हमने पिछले पूरे वीक दलाल स्ट्रीट पे या फिर बोल दीजिए स्टॉक्स मार्केट में बहुत ज्यादा रैली देखने को मिली। एंड सेंसेक्स और निफ्टी इन्होंने अपने टॉप हाई को, जो लाइफ टाइम हाई है, उसको भी पार कर दिया। 71,000 की रेंज के अंदर सेंसेक्स चला गया और 21,000 से पार हो गया निफ्टी 50। तो अभी जो वीक है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जो रैली हुई है उसमें किस किस सेक्टर ने क्या क्या कितनी कितनी रैली की है ये देखते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा रैली हुई है जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स थे, टेक्नोलॉजी शेयर थे, उसके अंदर करीबन जो 7% गेन, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने करीबन 9% गेन किया, 9% का स्टॉक्स का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हुआ। इंफोसिस ने 6% तक छलांग लगाई, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई, माइंडट्री एंड एलएनटी टेक्नोलॉजी, ये करीबन 6-12% वीकली गेन किया। मतलब एक हफ्ते के अंदर इनकी करीबन 6-12% तक इनका कैपिटल जो थी वो इंक्रीज होगी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टॉक्स के अंदर जो इतना उछाल देखने को मिला उसका रीजन क्या रहा, उसका रीजन ये रहा कि जो यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स की जो इंटरेस्ट रेट पे जो आउटलुक दिया था, डविस आउटलुक, जिसके अंदर कि हम इंटरेस्ट रेट अब कम करेंगे धीरे धीरे, फेजेज के अंदर हम इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करेंगे, तो उससे टेक्नोलॉजी स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला, एक तेजी देखने को मिली। एंड द सेंट्रल बैंक गाइडेड फॉर 75 बेसिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट इन 2024। सेंट्रल बैंक की अभी रिसेंटली फेड की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा कि हम 2024 में फेजेज में करीबन 75 बेसिस पॉइंट का हम इसके अंदर रेट कट करेंगे, इंटरेस्ट रेट करेंगे। दिस ड्रॉ द रिस्क ऑन सेंटिमेंट एंड पुश द आईटी स्टॉक्स हायर। तो इससे सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर जो रिस्क सेंटिमेंट है वो कम हुआ और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे उन्होंने काफी उछाल मारा। एंड दिस डविश आउटलुक बाय फेड ऑल्सो बूस्टेड द सेंटिमेंट फॉर मेटल एक्ट। और जो मेटल्स के जो स्टॉक्स थे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेटल्स के जो स्टॉक थे उन्होंने भी काफी उछाल मारा है। और S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो BSE मेटल का इंडेक्स है उसने करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली। फेरस नॉन फेरस सेगमेंट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीबन 14% का उछाल देखने को मिला और हिंडालको इंडस्ट्रीज 7% का गेन, JSW, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, वेदांता, ये सब 3-6% का उछाल इनके स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। तो मतलब पूरे वीक का अगर हम देखा जाए तो काफी बुलिश मार्केट रही। इवन जो रियलिटी मार्केट थी, ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, फिनिक्स मॉल्स,
मिल्स एंड डीएलएफ, इन्होंने भी 2 से 8% की गेन की। कोई सेक्टर अछूता नहीं रहा जो लास्ट वीक की तेजी से अछूता रहा हो। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेक्टर, वेदर इट इज एफएमसीजी, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज रियलिटी, एनी सेक्टर, वेदर इट इज रिलेटेड टू सम एग्रीकल्चर, सभी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, बहुत ज्यादा रैली देखने को मिली। आइए देखते हैं अभी मंडे से मार्केट क्या रहेगा, क्या कंसोलिडेट करेगा, या फिर यही जो स्टॉक्स की रैली है, ये जो बुल साइड है इसमें ये बुलिश ही रहेगा। देखने ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीक के जो स्टॉक्स का एनालिसिस रहेगा वो देखेंगे कि क्या रहता है। आज के ईटी एनालिसिस में इतना ही। संडे को बेसिकली ईटी एनालिसिस का ऑफ रहता है। विल मीट ऑन मंडे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।